तो दोस्तों, आज का ये वीडियो खास बन रहा है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि महाराष्ट्र के बीड जिले से आए हैं। महाराष्ट्र का बीड जिला पॉलिटिकली काफी फेमस जिला है। ऐसे बीड से हमारे पास सब्सक्राइबर के रूप में आए हैं शेख रियाज रियाज, और काफी समय से हमें फॉलो कर रहे हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस में भी वो ज्वाइन किए हैं, और आर्चरी से उनका एक लगाव है। लगाव है, इसकी वजह से वो हमसे भी जुड़े और हमारे से भी लगाव हो गया, और आज हमें मिलने आए हैं खास। वैसे तो हम ऑनलाइन ही मिलते हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए बन रहा है और आप लोगों तक ये पहुंचेगा, क्योंकि इसमें जो टिप्स बताई जाएंगी, इसमें जो चीज़ें रहेंगी वो आपके काम में आएंगी। तो यहाँ पर इनकी जो समस्या है वो ये लिम्स लेके आए हैं यहाँ पर, और ये एक हैंडल है। आप देखिए, ये एक इंडियन राउंड का हैंडल है। देखने में काफी फिनिश्ड है, लकड़ी का बना हुआ है, तो उसमें कारीगरी करी हुई है ऐसा दिखता है, लेकिन थोड़ा हैवी है। अब यहाँ पर अब बात आती है इसके लिम्स की। तो आप देखेंगे ये इसके लिम्स हैं, और लिम्स की सबसे पहले बात करें तो एकदम सीधे हैं, एकदम सीधे, और मोटाई में भी देखेंगे तो एक ही जैसी मोटाई है, नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही जैसी मोटाई है। दोनों साइड से आप देखिए, दोनों साइड से आपको समझेगा। और दो गठान यहाँ पर हैं इसके बांबू में। देखिए, एक यहाँ पर एक गठान है। गठान मतलब ये जो गांठ है, हर एक तंतु की जो गांठ बनती है पेड़ की, उसकी जैसे ये बढ़ता है वैसे ये गांठ बन जाती है। तो ये दो गांठों वाला ये लिम्ब है, और लगभग सेम मोटाई के लिम्ब यहाँ पर हैं। फिर ये लिम्ब आप देखेंगे यहाँ थोड़ा बैंड हुआ दिख रहा है, ये बैंड नहीं हो सकता था, इसीलिए ये क्रैक हो गया और टूट गया है। ये टूटने का बैंड है, यहाँ से देखें तो ये जो है ये लाइन आपको दिख रही है, ये टूटने का बैंड। तो सबसे पहले मैं इनसे पूछूंगा कि ये टूटा कैसे, क्योंकि आप जब तक समस्या नहीं समझेंगे तब तक उसकी सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो मैं इनसे पूछूंगा कैसे टूटा, आप बता सकते हैं? सर, प्रैक्टिस करते टाइम पोल पोल करते टाइम जो है तो उसमें थोड़ा थोड़ा आवाज आने लगा अच्छा कर मतलब ना खींचने में, जब अपन पोल जी, करते एंकर हाँ बनाते तो उसमें आवाज आने लगा, बाद में वो बढ़ते बढ़ते ज्यादा ही बढ़ गया सर। ठीक है, ये डोरी इसके साथ आई थी। हाँ सर, ये डोरी इसी के साथ। अब आप यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं कि ये जो ए स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यानी इसकी प्रत्यंचा यानी कि इसकी डोरी इसके साथ आई है, और काफी मोटी है। विशेष बात क्या है इसकी, ये बनी हुई है सूत के धागों से, यानी कि जो कॉटन के जो धागे होते हैं, सूत के जो धागे होते हैं मजबूत वाले, उनको मिलाकर ये एक स्ट्रिंग बनाई है। वैसे तो ये मजबूत है क्योंकि इसको देखने से पता चल रहा है, लेकिन इसमें वो लचीलापन नहीं है जो स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए। स्ट्रिंग की जो काबिलियत है वो उसके लचीलेपन पे, यानी कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के धागे के ऊपर डिपेंड करती है। धागा मजबूत भी होना चाहिए और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी उसके अंदर आना चाहिए। अब फिर वो साइंटिफिकली बना है क्या ये धनुष, तो हम बात करेंगे। धनुष बनाने वाले ने तो कोशिश की है अपने हिसाब से बनाने की, लेकिन जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो सही नहीं है, क्योंकि इस तरीके की एकदम सीधी लिम्ब, आप एकदम आप खुद ही इमेजिन करिए कि एकदम सीधी लिम्ब है, तो ये सक्सेस है क्या नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार डाल के इसके पॉकेट में देख लूंगा, ये भी नीचे है ये ऊपर है, ये ऊपर वाली जो लिम है ये यहाँ से लिम पॉकेट में आसानी से चली गई। देखिए, ये पहली लिम पॉकेट में आसानी से चली गई, और यहाँ पे इसमें एक प्ले भी है, एक गैप भी है। दूसरा है ये वाला जो भी पार्ट है वो भी इसमें आसानी से चला गया, और इसमें भी जो है ये प्ले है। आप समझने की कोशिश करिए, ये जब भी ये प्ले है, जब भी कभी ये तीर चलाएंगे तो वो प्ले हमेशा रहेगा, उसकी वजह से वो में से एक आवाज आएगी और धीरे धीरे करके ये प्ले बढ़ता चला जाएगा और लिम के ऊपर प्रेशर आएगा, तो ये सही बात नहीं। तो इनका बोलना था कि इन्होंने इसको खींचा, और खींचने के बाद ये जो बो का जो लिम है अपर वाला वो टूट गया। हाँ राइट।
तो अब देखना ये है कि इनकी ड्रॉ कितनी है, क्योंकि जब जब आर्चर अपनी ड्रॉ के हिसाब से धनुष लेता है तो वो उसको खींचेगा तो टूटेगा नहीं, लेकिन जब आर्चर अपनी ड्रॉ के हिसाब से धनुष नहीं ले लेता है तो वो खींचेगा तो टूटने की संभावना बन जाती है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको लिम बदलनी पड़ेगी, और लिम बदलने के लिए या तो आप कंपनी से, यानी कि जो कंपनियां हैं जहां से धनुषबाण बनते हैं या इन्होंने जहां से खरीदा होगा आप वहां से लिम मंगा सकते हैं, या फिर आपको ये हैंडल जहां आर्चरी के प्रोडक्ट बनते हैं जैसे कि अमरावती में बनते हैं, अमरावती जो है महाराष्ट्र में सबसे नज़दीक है और वो पूरा आर्चरी का वर्क करते हैं 20 सालों से, तो या तो आप उनके पास भेज सकते हैं या फिर किसी दूसरे तरीके से जहाँ पर ये रिपेयर हो सकते हैं आसपास में आपके वहाँ दे सकते हैं। अदरवाइज आप लिम पेयर ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। अगर आप लिम पेयर ऑर्डर करके मंगा लेंगे तो आप अपने जो लिम है उसको आप इसमें लगा के सेट कर सकते हैं। अब चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं ये जो पार्ट है ये अंदर की तरफ से है, यहाँ पर एक और बात इम्पोर्टेंट बात ये है ये अंदर की तरफ से, तो मैं आपको दूसरा धनुष भी दिखाता हूँ जिससे कि आपको आइडिया रहेगा। तो देखिए ये अब हम लेके आए हैं आपके सामने एक जो प्रोफेशनल धनुष रहेगा उसके लिए। अभी लिम्ब आप देख सकते हैं, लिम्ब जो है इसके साथ हम कंपेयर करेंगे, अभी इनकी लिम्ब है और इसकी डोरी भी हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हैंडल को कंपेयर कर लेंगे। देखिए ये हैंडल जो है ये सीनियर के लिए बना हुआ धनुष है, लेकिन जो इसका पॉकेट का पार्ट है यानी सेंटर है, सेंटर आप अगर देखेंगे तो ये नीचे से सेंटर को अगर अपन यहाँ से मेजरमेंट करके देखते हैं यहाँ तक का, तो ये 9 इंच ही आ रहा है और यहाँ से ये आ रहा है 11 इंच। और हमारे स्लिम की पॉकेट का देखेंगे, सॉरी लिम का देखेंगे, यहाँ से 10 इंच आ रहा है और यहाँ से भी 10 इंच आ रहा है, यानी कि ये सेंटर है, ये सेंटर पार्ट ये 10 और 10 इंच का है। यहाँ पर दो चीज़ें समझ में आ गई आपको, पहला तो ये कि ये जो सेंटर है ये सेंटर ही गलत है। एक तो हैंडल छोटा है, चलिए हैंडल छोटा होने की वजह से हम ये समझ सकते हैं कि ये हैंडल छोटा है, इसकी वजह से इसके सेंटर में कमी हो सकती है, लेकिन जब आप इस तरीके से इसको देखते हैं तभी भी हम यहाँ पर थोड़ा सा इसमें वेरिएशन पाएंगे। ये हैंडल का जो साइज है छोटा है, और छोटा होने की वजह से ये सेंटर जो है ये भी उन्होंने छोटा कर दिया, यानी कि इस जो एरिया में से अगर जाना है तो ये पार्ट जो है ये छोटा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, छोटा हो गया। अब बैक साइड से देखेंगे तो बैक साइड भी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो प्लंजर बटन लगाने के लिए, कुशनिंग बटन लगाने के लिए जगह ही नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इसमें ये प्लंजर कुशन कर लगाने के लिए यहाँ जगह दी हुई है, और पीछे से ये होल है और होल में ये पूरा इसका सेटअप किया हुआ है कुशनिंग के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट है। इसमें एक बाम्बू की लकड़ी यहाँ पर लगी हुई है, हो सकता है इसके ऊपर तीर रख के आपको चलाना हो, तो इससे क्या होगा जब तीर रख के चलाएंगे तो ये तीर भी डैमेज होता चला जाएगा, क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कुशन नहीं मिल पा रहा है, तो हमेशा तीर इससे टकरा के जाएगा और जो इसके क्लचेस हैं वो इसमें फंस के टूट सकते हैं, खराब हो सकते हैं। दूसरा ये क्लिकर है, तो क्लिकर तो ठीक बनाया है वैसे, बट क्लिकर भी सीधा है, एकदम फ्लैट है। फ्लैट होने की वजह से ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा की गारंटी नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे क्लिकर काफी पतला है और अंदर की तरफ दबा हुआ है, ऊपर से उठाया नीचे दबा हुआ है, ये इसकी पहचान है। ये आराम से तीर को क्लिक करेगा, तो जो और यहाँ पर ये एरोरेस्टर लगा हुआ है, इसमें था एरोरेस्टर नहीं था, तो इसमें एरोरेस्टर भी जो है नहीं है, तो फिर ये वो क्या है? इसमें साइड तो लगी है, साइड बनी हुई लगी हुई है, या शायद आपने लगा लिया? नहीं, बनी हुई है, वहीं से लग गया है।
तो ये जो दोस्तों ये वो है बिगनर, जनरल स्पीकिंग ये एकदम बिगनर वो है जब आप आर्चरी की शुरुआत ही करते हैं, यानी कि जब आपको लगता है कि एज ए इंटरटेनमेंट आप आर्चरी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि तीर कमान हमने भी कभी चलाना चाहिए, तो उस समय पे आप ये प्रकार के धनुष ले सकते हैं। अब यहाँ पर लिम देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये लिम तो खैर आप देखेंगे तो ये पूरी ठोस लिम है, ये भी ठोस लिम है, लेकिन यहाँ पर इसमें बाम्बू में कर्व दिया हुआ है, और ये बाम्बू में कर्व देने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर बेंड हो जाएगा। अब ये लिम जो है ऊपर से स्लाइटली कर्वी है, ये देखिए यहाँ से कर्वी है, लेकिन ये बिल्कुल सीधी है। तो ये कर्व देने से इसकी जो फिनिशिंग है ये देने से ये जो जब हम स्ट्रिंग लगाते हैं तो ये जो धागे निकलना शुरू हो जाते हैं, तो ये धागे इसमें फंस फंस के निकलते हैं, तो वो फंसेंगे नहीं। जब इसमें प्रॉपर तरीके से लूप बनेगा, लूप को लगाने की जगह बनेगी, तो ये प्रॉपर तरीके से चलेगा और ये फंसेगा तो घिसेगा नहीं, कम घिसेगा और अच्छे दिन तक काफ़ी दिन तक ये चलता रहे। इसलिए इस तरीके की शेप वाली लिम हमारे पास होनी चाहिए। अभी यहाँ पर ये बेसिक लिम है तो इस पर तो कुछ नहीं बोल पाऊँगा। चलिए अब देखते हैं स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग देखिए, जो कंपनी से जो स्ट्रिंग बनती है वो एक स्ट्रिंग जिग यानी कि स्ट्रिंग मेकिंग मशीन में बनाई जाती है, और स्ट्रिंग मेकिंग मशीन में बनाने के कारण से उसके जो लूप्स होते हैं, उसकी जो बनावट होती है, उसका जो धागा होता है, वो सब अलग अलग और क्वालिटी का होता है। जैसे कि इसके अंदर में ये जो धागा है डेक्रॉन है, डेक्रॉन धागा काफ़ी प्रचलित है इंडियन नॉर्म की स्ट्रिंग बनाने के लिए, और देखिए कितना पतला है, अगर इसकी थिकनेस देखेंगे तो कितना जाड़ा है, और इसकी देखेंगे तो कितना पतला है। इतना पतला होने के बाद इसमें सिर्फ 6 रोटेशंस रहेंगी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक धागा, दो धागा, तीन, चार, अभी पांच, अभी छठा, ऐसे करके 6 धागों को मिलाकर ये स्ट्रिंग बन चुकी है देखिए, और एकदम फिनिश है, आप देख सकते हैं, आप भी देखिए, दिखाई कैमरे पे एकदम फिनिश है। सूट की बनी हुई भी देखिए, ये सूट की इतनी जाड़ी, इतनी मोटी स्ट्रिंग बनी हुई है, एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि नाड़ा है, तो वर्किंग नहीं। हमारे जो लिम है वो लूज हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं, तो बैंड होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। बैंड होगा धनुष, और होने के बाद में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसको सबसे पहले जब भी आप तीर चलाते हैं, चलाने के बाद में आप धनुष को निकाल के रखें, आप उसे लगा हुआ ना छोड़ दें, क्योंकि जितने दिन आप उसको लगा हुआ छोड़ देंगे, एक दिन, 24 घंटा, तो 10 घंटा, 12 घंटा तो भी कम से कम वो धनुष लगा हुआ रहेगा, तो उसकी अवस्था ऑटोमेटिकली कर्व होना शुरू हो जाएगी, और वो फिर आगे चल के कर्व भी हो जाएगा। इसीलिए आप कभी भी धनुष को अनस्ट्रिंग करके रखें, यानी कि उसको लूज करके रखें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि पूरा ना निकालें तो आप कम से कम स्ट्रिंग निकाल दें और उसको उस तरीके से रखें। अब इनसे मैं पूछता हूँ पहले, ये क्या करने चाहते हैं, इसका क्या करना चाहते हैं आप, क्या करेंगे सर? अभी रिपेयरिंग करने हैं। इनका बोलना है कि हम ये लिम रिपेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी अगले वीडियो में आपको हम लेके चलेंगे अपनी वर्कशॉप पे, और वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसके लिए मैं करके दूंगा। हमारे पास कुछ पुरानी लिम्स है, और कुछ पुरानी लिम्स को हम सहेज के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, जिससे कि वो भी कुछ ब्रेकेज हो जाती है, तो हमारे पास हम बदलते रहते हैं, उसमें से हम इनको एक लिम डाल के देंगे, क्योंकि हमारे पास दो लिम नहीं है। अगर ये चाहेंगे दो लिम लगाना तो हम दोनों ही बदल के इनको दे सकते हैं, नहीं, बट मैं कोशिश करूंगा कि इनको एक पुरानी इसके मैच होती हुई एक लिम मैं दे सकूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।